नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूँ। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, ये डेली हम लोगों के बाल विकास की क्लास होती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट को टारगेट करते हुए सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है। और सिलेक्शन बैच की आज ये हम लोगों के बाल विकास की सिलेक्शन बैच में बाल विकास की आज ये 10वीं क्लास हम लोग करने जा रहे हैं। आज की क्लास में साथियों हम लोग संवेगात्मक विकास की बात करेंगे, अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। किसकी? इमोशनल डेवलपमेंट अर्थात संवेगात्मक विकास की चर्चा करेंगे। सॉरी साथियों, थोड़ा सा गले में खराश आ गया है, ठंडी का मौसम है। तो साथियों, हम लोग संवेगात्मक विकास की आज की क्लास में चर्चा करेंगे। क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे बाल विकास की, साथ ही साथ हिंदी की जो कि दोपहर में क्लास आप लोगों को दी जाती है, और सामाजिक विज्ञान के भी क्लासें आप लोगों को दी जाती है। हिंदी की 4-5 क्लास हो चुकी है, हिस्ट्री की भी सॉरी हिस्ट्री की 4-5 क्लास हो चुकी है, साथ ही साथ ज्योग्राफी की भी आज शायद चौथी क्लास चलेगी, चौथी या पांचवी क्लास। ठीक साथियों, तो आप लोग खूब अच्छे से मन लगा के अपनी तैयारी को बनाए रखिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को आप भी सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि और भी नोटिफिकेशन जो भी हो एजुकेशन से रिलेटेड या और भी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंच सके। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लाइक करिए, और अगर क्लास आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक साथियों, तो ठीक है, आइए हम लोग संवेगात्मक विकास की चर्चा करेंगे। कौन से विकास की? संवेगात्मक विकास की बात आज हम लोग करेंगे। साथियों, संवेगात्मक विकास जो है ये मानव जीवन के विकास का उन्नत के लिए आवश्यक है। संवेगात्मक विकास मानव जीवन के उन्नत के लिए बहुत ही आवश्यक है। मानव का जीवन किस प्रकार से उन्नति की ओर अग्रसर होगा, उन्नति करेगा, इसके लिए हमारा संवेगात्मक विकास अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ही आवश्यक है। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है। ठीक, यह विकास जो होता है संवेगात्मक विकास से मानव जीवन को काफ़ी मात्रा में प्रभावित करता है। उसी के उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने संवेगों की जैसे अगर बात करें तो भय की बात करें, क्रोध की, प्रेम की आदि का सही प्रकाशन करना सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। जब मानव क्रोध करना सीख लेता है, प्रेम करना सीख लेता है, साथ ही साथ भय भी मानव को होने लगता है, उसी दौरान मानव का संवेगात्मक विकास विकसित होने लगता है, मानव का संवेगात्मक विकास होने लगता है। साथियों, प्राणी के विकास क्रम में संवेगात्मक विकास का बड़ा ही महत्व है, काफ़ी ज़्यादा महत्व है। साथ ही साथ संवेग प्राणी के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। संवेग जो होता है यह प्राणी के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है कि प्राणी का, मनुष्य का व्यक्तित्व किस प्रकार से होगा यह संवेगों का। क्योंकि मान लीजिए कि कभी आपको क्रोध आ गया, मान लीजिए आपको कभी क्रोध आ गया तो उस दौरान आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से होना चाहिए, या क्रोध के दौरान आपको अपने आप को किस प्रकार से संयमित करना है, संयमित करके जीना है, इसकी भी सीख आपको अपने क्रोध के माध्यम से ही मिलती है। साथ ही साथ अगर प्रेम की बात करें तो आप लोगों को प्रेम किससे, किस व्यक्ति से किस प्रकार से करना है और किस सीमा तक किस दायरे में रहना है, ये भी आपका व्यक्तित्व, इसके लिए भी वह क्या होता है, डेवलप होता है। प्रेम किस प्रकार से किस व्यक्ति से हमें करना है, इसमें भी आपका व्यक्तित्व क्या होगा, विकसित होगा अर्थात डेवलप होगा। ठीक साथियों, इसी तरीके से भय की चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि आपको किसी भी चीज़ से डर है, आपको किसी भी चीज़ से डर है, तो वहाँ पे आपका जो है संवेगात्मक विकास किस प्रकार से, व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होगा, यह भी आप जब तक डरेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे, जब तक आप डरेंगे नहीं तो चीज़ों से आप लड़ेंगे कैसे, ये आप मानिए। ठीक ना, तो इसी प्रकार से जो है व्यक्तित्व का विकास भी होता है। साथियों, विकास सतत रूप से नहीं होता है, विकास जो होता है यह सतत रूप से नहीं होता है, विकास जो होता है यह रुक रुक के होता है। हमेशा ये प्रकृति का नियम है कि विकास जो भी होगा यह रुक रुक के होगा, लगातार नहीं हो सकता है, उसका व्यक्तित्व निर्माण भी सही प्रकार से नहीं होता, क्योंकि संवेग द्वारा ही व्यक्ति के सृजन और विनाश की भावनाएं विकसित होती हैं। संवेग के माध्यम से ही व्यक्तित्व के सॉरी संवेग के माध्यम से ही व्यक्ति के
सृजन और विनाश किसके? सृजन और विनाश, सृजन अर्थात बनाने वाला, सृजन और विनाश अर्थात बिगाड़ने वाला, सृजन अर्थात बनाने वाला कौन? बनाने वाला, विनाश अर्थात बिगाड़ने वाला। सृजन माने सृजन करता अर्थात बनाने वाला, ठीक, और विनाश मतलब बिगाड़ने वाला, ठीक साथियों। तो यहाँ यह कहा गया है कि उसका व्यक्तित्व निर्माण भी सही प्रकार से नहीं होता, क्योंकि संवेग द्वारा ही व्यक्ति का संवेग के माध्यम से व्यक्ति का सृजन और विनाश दोनों चीज़ें विकसित होती हैं, ऐसा कहा गया है। सृजन की बात करें तो सृजन की भावना संतुलित व्यक्ति के निर्माण के द्योतक है और विनाश की भावना व्यक्ति के विघटन की सूचक है। यह जो है व्यक्ति के विकास की भावना का द्योतक है और यह विनाश की भावना का अर्थात बिगाड़ने का, नष्ट करने की भावना का विनाश जो है यह व्यक्ति के नष्ट करने की भावना का द्योतक है अर्थात अर्थात कहें तो प्रदर्शित करने वाली चीज़ है। द्योतक का मतलब दिखाना, ठीक, और सृजन जो होता है यह व्यक्ति के निर्माण का, व्यक्ति के निर्माण का द्योतक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण का द्योतक है कौन? सृजन। और यह विनाश का, विनाश अर्थात व्यक्ति के नष्ट होने के का, व्यक्ति के व्यक्तित्व का नष्ट होने का यह द्योतक माना गया है, ठीक साथियों। और अगर रचनात्मक कार्यों को प्रेरित करता है तो इसके विपरीत दुख, घृणा तथा ईर्ष्या सृजन के लिए भी अभिशाप है। ये प्राणी को विनाश की ओर ले जाते हैं कौन? जो दुख होते हैं, घृणा होते हैं, ईर्ष्या होते हैं, ये सभी चीज़ें प्राणी को विनाश की ओर ले जाता है। प्राणी के जीवन में संवेगात्मक विकास समान गति से नहीं होता, प्रत्येक अवस्था में इसके विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, या तो फिर किशोरावस्था हो, इन तीनों अवस्थाओं में व्यक्ति के संवेगात्मक विकास भिन्न भिन्न तरीके से होता है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि कौन सी अवस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। उससे पहले हम लोग संवेगात्मक विकास की कुछ विशेषता जानते हैं, या तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि कुछ विद्वानों ने संवेगात्मक विकास को लेकर अपने क्या क्या मत दिए। तो वुडवर्थ जी क्या कहते हैं संवेगात्मक विकास को लेकर? वुडवर्थ जी का क्या मत है? वुडवर्थ जी कहते हैं साथियों कि संवेग व्यक्ति की गति में, संवेग व्यक्ति की गति में और संवेग जो है यह व्यक्ति की गति में अर्थात आवेश में आने की अवस्था है। आवेश में आने की अवस्था है। वुडवर्थ जी क्या कहते हैं? वुडवर्थ एक महान विद्वान हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। ये कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की गति में, व्यक्ति की गति क्या है आवेश में आने की अवस्था है। अर्थात संवेग व्यक्ति की गति अर्थात आवेश में आने की अवस्था इन्होंने, वुडवर्थ जी ने संवेग को बताया, संवेगात्मक विकास क्या होता है इसके बारे में इन्होंने अपना व्यू दिया। साथ ही साथ मैकडूगल जी क्या कहते हैं? मैकडूगल जी क्या कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। मैकडूगल जी की बात करें साथियों तो ये कहते हैं संवेग एक प्रकार का अनुभव है, संवेग एक प्रकार का अनुभव है जो संवेग क्या है, एक प्रकार का अनुभव है जो किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से
संबद्ध रखता है। मैकडूगल जी क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास के लिए मैकडूगल जी का क्या व्यू है उसे हम लोग देखें, कि ये कहते हैं कि संवेग एक प्रकार का अनुभव है, संवेग एक प्रकार का अनुभव है जो किसी न किसी मूल प्रवृत्ति, किसी न किसी मूल प्रवृत्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंध रखता है। संवेग एक प्रकार का अनुभव है जो किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंध रखता है। ठीक साथियों, और अगर देखा जाए साथियों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से जैसे वाक्य दे देगा इस तरीके की, संवेग व्यक्ति की गति में अर्थात आवेश में आने की अवस्था है, यह वाक्य कौन से विद्वान ने कहा। तो यहाँ आपको याद रखना होगा कि वुडवर्थ जी ने संवेगात्मक विकास के लिए संवेग व्यक्ति की गति में अर्थात आवेश में आने की अवस्था है, या तो आपको ये वाक्य दे देगा कि संवेग एक प्रकार का अनुभव है जो किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंध रखता है, तो आपसे पूछेगा कि यह वाक्य कौन से साइकोलॉजिस्ट का है, या तो इस तरीके से 4-5 वाक्य दे देगा, वहाँ पूछेगा कि मैकडूगल जी ने क्या कहा, संवेगात्मक विकास के लिए मैकडूगल जी ने अपना क्या मत दिया, तो वहाँ फिर आपको टिक लगाना पड़ेगा कि संवेग एक प्रकार का अनुभव है जो किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से संबंध रखता है। अब साथी हम लोग संवेगात्मक विकास की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। विशेषताएँ संवेगात्मक विकास की कुछ विशेषताओं को हम लोग देखते हैं साथियों। संवेगात्मक विकास शिशु, बाल्य, किशोर एवं अन्य अवस्थाओं में एक क्रम में होता है। संवेगात्मक विकास शिशु, बाल्य शिशु बाल्य किशोर शिशु बाल्य किशोर एवं अन्य अवस्थाओं में एक क्रम में होता है। अगली विशेषता की बात करें साथियों, तो बालक जो जो बढ़ता जाता है उसके संवेगों के विकास में जटिलता आती जाती है। और अगर विशेषता की बात करें तो संवेगात्मक विकास में जो अनुभव होते हैं उनकी वृद्धि से परिपक्वता होती है, मतलब अनुभव से उनकी वृद्धि से परिपक्वता होती है। अनुभव की वृद्धि से परिपक्वता आती है संवेगात्मक विकास में। ठीक साथियों, और अगर कोई विशेषता होती है तो उसे भी हम लोग देखते हैं। अगली विशेषता की बात करें साथियों, तो संवेगात्मक विकास संवेगों के प्रशिक्षण अर्थात संवेगों पर नियंत्रण उचित ढंग से और यथा आवश्यकता प्रकट करना, एक संवेग से दूसरे संवेग का विलय करना अथवा उनका शोधन करना पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अर्थात संवेग विकास संवेगों के प्रशिक्षण पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अर्थात संवेगों का जो प्रशिक्षण हुआ है
संवेगों के प्रशिक्षण पर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है, प्रशिक्षण पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। ठीक साथियों, संवेगात्मक विकास जो होता है वे संवेगों के प्रशिक्षण पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। साथ ही साथ संवेगात्मक विकास प्राणी के व्यवहारों से संबंधित होता है, यह प्राणी के व्यवहारों से भी संबंधित होता है। संवेगात्मक जो विकास होता है यह प्राणी के व्यवहारों पर भी डिपेंड करता है, मायने रखता है। अब अगली बात करें साथियों कि शैशवावस्था में, अब हम लोग अवस्थाओं में देखेंगे, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे कि अवस्थाओं में, प्रत्येक अवस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से हम लोग पहले शैशवावस्था की बात करेंगे। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास साथियों, शिशुओं का संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर आता है। शिशुओं की जो होतियाँ हैं, शिशुओं की का संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर आता है, धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर आता है। शिशुओं में जो संवेगात्मक विकास होता है वह धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर आता है। अगली बात करें साथियों अगर, तो विशिष्ट संवेग मंद गति के स्वभाव के साथ जुड़ता है। विशिष्ट संवेग जो होता है वह मंद गति के स्वभाव के साथ जोड़ने का काम करता है। इसको क्यों मैं बताता हूँ अभी। विशिष्ट संवेग मंद गति के स्वभाव के साथ जुड़ता है। अगली बात करें साथियों अगर, तो शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास की तीव्रता होती है। किसके? शारीरिक आयु के साथ। शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता होती है। साथ ही साथ साथियों, शैशवावस्था में मुख्यतः भय, क्रोध व प्रेम आदि तीन ही संवेगों का विकास होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, इस अवस्था में मुख्यतः भय, प्रेम व क्रोध तीन ही संवेगों का विकास होता है। भय, क्रोध और प्रेम इस अवस्था में, अर्थात शैशवावस्था में मुख्यतः भय, प्रेम व क्रोध तीन ही संवेगों का विकास होता है। साथ ही साथ साथियों, शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपने संवेगों को बदलते रहते हैं। वो कभी रोता है, कभी हंसता है और कभी कभी दोनों का प्रकटीकरण साथ साथ करने लगता है। शिशु जो होता है इस अवस्था में कभी कभी अपने संवेगों का प्रकटन कभी रोते हुए करता है, कभी हंसते हुए करता है, कभी दोनों का एक साथ वो करने, कभी दोनों का एक साथ अर्थात रोएगा भी और हंसे का भी, इस तरीके से वो अपने संवेग को
प्रकट करेगा। साथ ही साथ साथियों, शैशवावस्था के अंतिम चरण में वातावरण संवेगात्मक के विकास को प्रभावित करने लगते हैं। जो शैशवावस्था का अंतिम चरण होता है, उस दौरान संवेगात्मक विकास जो होता है वो वातावरण को प्रभावित करने लगता है। कौन से वातावरण को प्रभावित करने लगता है, अर्थात वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है। शैशवावस्था का जो अंतिम चरण होता है, उस दौरान वातावरण जो होता है कि किस प्रकार से शिशु को वातावरण मिल रहा है, वो उसके संवेग को प्रभावित करता है। अर्थात यहाँ हम बात करें तो मान लीजिए कि शिशु है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, उसके संवेगों का विकास हो रहा है। तो जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से उसे वातावरण दिया जाएगा, जैसा वातावरण उस समय शिशु को या बालक को मिलेगा, उसी तरीके से उसका संवेगों का विकास भी होगा। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि शैशवावस्था के अंतिम चरण में वातावरण जो होता है वो बालक के संवेगों के विकास को प्रभावित करने लगता है, ठीक ना। इसीलिए यह चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। अगली बात हम लोग करेंगे कि बाल्यावस्था में संवेगों का विकास किस प्रकार से होता है। बाल्यावस्था में संवेगों का विकास किस प्रकार से होता है, बाल्यावस्था में संवेगों के विकास की बात करें साथियों, तो बाल्यावस्था में संवेगों में अस्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। जो संवेग होता है वह अस्थायी रूप से आना शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था में संवेग अस्थायी रूप से आना प्रारंभ हो जाता है। अस्थायी रूप से आना प्रारंभ जो संवेग आता है बाल्यावस्था में, क्योंकि बालक धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है, तो इस वजह से बालक के अंदर जो संवेग उस दौरान आएगा वह संभवतः अस्थायी रूप से आना शुरू हो जाता है। बालक संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है, अर्थात बालक जो होता है वह संवेग व समाज के नियम, संवेग अर्थात उसका जो संवेग है और समाज का नियम क्या है, संवेग और समाज का नियम क्या है, इन दोनों को आपस में समायोजित करने लगता है, दोनों को आपस में जोड़ने लगता है, ढलने लगता है, अपने आप को ढालने लगता है। उस दौरान संवेग जो होता है बालक का बाल्यावस्था में, उस समय जो बाल्यावस्था में बालक का संवेग होता है, साथ ही साथ उसका जो समाज के नियम होते हैं उन दोनों को आपस में समायोजित करने का कार्य करता है, ये भी एक विशेषता है। अगली बात करें तो वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, इच्छा, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करने लगता है। इस बाल्यावस्था में बालक की जो भी क्रिया होगी, इस अवस्था में बालक प्रेम, ईर्ष्या, घृणा प्रतिस्पर्धा ये सारी चीज़ें, बाल्यावस्था में बालक के अंदर प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा की भावना उसके अंदर जागृत होने लगती है। इसकी हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्लास में हैं, मान लीजिए कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसी क्लास में और बाल्यावस्था में हैं, संवेगों का विकास हम लोगों का हो रहा है, तो उस दौरान साथियों कि बालक के अंदर प्रेम की भावना आती है, ईर्ष्या की भावना भी आती है, साथ ही साथ घृणा की भी भावना आती है और प्रतिस्पर्धा, अर्थात जैसे मान लीजिए कि जो पढ़ने वाला बालक है, प्रतिस्पर्धा की बात करें, जो पढ़ने वाला बालक है, मान लीजिए हम हैं और आप हैं, हम चाहेंगे, अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि आप हमसे आगे नंबर, हमसे ज़्यादा नंबर ना पाओ, और आप चाहोगे कि हम, आप अपने लिए चाहोगे कि आप हमसे ज़्यादा नंबर ना पाओ, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे ज़्यादा नंबर,
आप चाहोगे कि आप हमसे कम नंबर ना पाओ और मैं चाहूँगा कि मैं आपसे कम नंबर ना पाऊँ एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा यहाँ इस प्रकार से होगी, या ईर्ष्या भी उसी में आएगी, घृणा भी आएगी, प्रेम भी आएगा, आपसी दोस्ती भी रहती है, एक दोस्त भी रहते हैं उस दौरान। यह चाहते हैं मान लीजिए हम और आप दोनों लोग मित्र हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, बाल्यावस्था की अवस्था है, संवेगात्मक विकास हम लोगों का हो रहा है, उस दौरान हम लोग क्लास में हैं तो देखिए किस प्रकार से ये चारों भावनाएँ जागृत होती हैं। हम लोग आपस में मित्र भी हैं, ठीक, साथ ही साथ जब एग्ज़ाम की बात आई, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ प्रतिस्पर्धा कि आप 4 घंटे पढ़ते हो तो मैं कोशिश करूँगा 6 घंटे पढ़ूँगा, ठीक, आप 6 पढ़ोगे तो मैं 8 घंटे पढ़ूँगा, तो यहाँ क्या हुई, ईर्ष्या की चीज़ें हुई इस तरीके से, घृणा की कह लिया जाए। इसी तरीके से प्रतिस्पर्धा के जब एग्ज़ाम हॉल में आदमी बैठेगा तो उस दौरान उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, बालक के दिमाग में, जैसे हमारी आपकी बात हुई, तो हम चाहेंगे कि मैं आपसे कम नंबर न पाऊँ और आप क्या चाहोगे कि आप हमसे कम नंबर न पाओ, तो यही उसके जो है संवेगों का विकास जो प्रतिस्पर्धा की बात की जा रही है। साथ ही साथ साथियों, माता पिता द्वारा बताए गए कार्य के प्रति वह हाँ या ना कहकर चुप रहता है और बाद में झूठ बोलकर अपने को उपेक्षा से बचाता है। अर्थात माता पिता जो उस समय बच्चे से बात करते हैं, उस दौरान वह उनकी बातों को सिर्फ हाँ और ना के रूप में उत्तर और प्रत्युत्तर करता है, सिर्फ हाँ और ना के रूप में उत्तर प्रत्युत्तर करने का काम करता है। बाद में वह झूठ बोलकर अपने आप को उपेक्षा से बचाता है, बाद में वो गार्जियन से, बच्चा या शिशु गार्जियन से झूठ बोलेगा और अपने आप की उपेक्षा, अपनी उपेक्षा से वो बचाने का काम करता है, ठीक साथियों। जैसे मान लीजिए कई बालक होते हैं एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, एग्ज़ाम में कई बालक होते हैं जो फेल हो जाते हैं, गार्जियन पूछते हैं तो गार्जियन को तो मान लीजिए कि पता ही चल जाएगा, रिलेटिव उनके कोई हुए, संबंधी हुए, वो पूछते हैं क्या हुआ मोनू, पास हुए कि नहीं, फेल हो गए हैं, तब भी वो उनसे चीज़ों को नहीं बताएंगे। या तो फिर ऐसा होता है कम नंबर पाएंगे वो मान लीजिए कम नंबर पाते हैं और उनसे थोड़ा सा 10-20 नंबर 25 नंबर जितना उस समय उचित उन्हें समझ में आया वो बढ़ा के बताते हैं। ऐसा क्यों कि हमारी उपेक्षा न हो कि मोनू कम नंबर एग्ज़ाम में पाया है, ठीक, ये बातें हुई। अगली बात, ये जो बाल्यावस्था होती है साथियों, बाल्यावस्था के अंतिम चरणों में वह संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीख लेता है। अर्थात बाल्यावस्था में जो उसकी अंतिम चरण बाल्यावस्था की जब चलने लगती है, तो इस अवस्था के दौरान शिशु या बालक जो होता है, वो अपने संवेगों पे नियंत्रण भी करना सीख लेता है, कि हमें अपने आप को किस प्रकार से नियंत्रित करना है, ठीक, बातों को सहने की भी क्षमता उसके अंदर हो जाती है। अगर बातों का वो जवाब भी देगा तो बहुत संतुलित लैंग्वेज में जवाब देगा, जहाँ उसे उचित होगा समझे, जहाँ उसे लगेगा कि हाँ यहाँ मेरा जवाब देना उचित है, जहाँ उसे यह महसूस थोड़ा सा भी हो जाएगा कि यहाँ मेरा कुछ भी बोलना गलत प्रभाव डालेगा, तो वहाँ अपने आप को वहाँ कंट्रोल करता है, चुप होकर चुपचाप वो चीज़ों को, बातों को सुन लेता है, ठीक, वहाँ वो उत्तर प्रत्युत्तर नहीं देता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि जब बाल्यावस्था का अंतिम चरण चल रहा होता है संवेगात्मक विकास का, तो उस दौरान बालक जो है अपने संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीख जाता है, ठीक साथियों। अब आइए हम लोग देखेंगे किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में साथियों हम लोग संवेगात्मक विकास की अगर बात करें, तो किशोरावस्था में प्रवेश करने पर किशोर या किशोरी से अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है। जब किशोरावस्था में लड़की हुई या लड़का हुआ, किशोर हुआ या किशोरी हुई, उसे एक अनुशासनात्मक जीवन जीने की आशा उसके गार्जियन या उसके जो पेरेंट्स होते हैं या उसके जो भी संरक्षक होते हैं वो करते हैं, कि अनुशासन में रहकर, एक दायरे में रहकर, एक संतुलित चीज़ों में रहकर ही ये कोई भी काम करे। साथ ही साथ साथियों, पर परिणाम ठीक इसके विपरीत होता है, परिणाम जो आता है ठीक इसी के विपरीत। आजकल सभी लोग देखते होंगे, जितने भी लोग होते हैं, आज का समाज किस प्रकार से चल रहा है,
कि पहले के बच्चे हुआ करते थे तो घर के गार्जियन डांट देते थे या नज़र पलट के देखते थे तो वो चुप होते हैं। आज तो अगर डांट दिए तो तुरंत उनके जो है उत्तर प्रत्युत्तर वहाँ शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से ठीक पहले स्कूलों में भी हुआ करता था, स्कूलों में भी हुआ करता था कि पहले टीचर जो है बच्चों को मारता था, छड़ी से मारता था, छड़ी से पहले टीचर बच्चों को मारता था। लेकिन आज के दौरान अगर मार दे तो बच्चे क्या कहते हैं कि चलो अभी गेट के बाहर देख लेंगे, क्या चलो अभी गेट के बाहर देख लेंगे। तो यही चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं कि परिणाम ठीक उसी के विपरीत हो रहा है। बच्चे माता पिता संरक्षक गार्जियन जो होते हैं वो बालक हो या बालिका हो उनसे अपेक्षा क्या करते हैं कि अनुशासन में रहेगा, लेकिन ठीक उसी का विपरीत इस समय देखा जा रहा है। हम उन्हें न तो बालकों की कोटी में रखते हैं न बड़ों की कोटी में रखते हैं। किशोरावस्था की जो अवस्था होती है इस अवस्था में हम बालकों को ना ही जो है बालक की कोटी में रखते हैं ना ही बड़ों की श्रेणी में रखने का काम करते हैं, ना ही बालक की श्रेणी में रखते हैं ना ही बड़ों की श्रेणी में रखने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, अर्थात इस अवस्था ये जो किशोरावस्था होती है इस अवस्था में जो संवेग होता है बालक का, इस अवस्था में जो संवेग होता है वो संतुलित अवस्था में नहीं रहता, संतुलित नहीं रहता, अस्थिर रहता है। कब बदल जाएगा कब परिवर्तित हो जाएगा कुछ निश्चित कुछ कन्फर्म नहीं रहता है, वही चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। अगली बात करें साथियों, दूसरे पॉइंट की बात करें तो किशोर हुआ या तो फिर किशोरी अर्थात तो बालक या बालिका में प्रेम दया क्रोध सहानुभूति आदि संवेग अस्थायी रूप से धारण कर लेते हैं। कौन कौन से? प्रेम दया सहानुभूति क्रोध आदि संवेग किशोरावस्था में किशोर हो या किशोरी हो वो प्रेम दया सहानुभूति क्रोध इत्यादि जैसे संवेगों को वो धारण करने लगता है। बाल्यावस्था में किशोर या किशोरी प्रेम दया सहानुभूति जैसे संवेगों को वो धारण करने लगता है। साथ ही साथ साथियों वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता इन चीज़ों पे। यह ऐसी अवस्था होती है किशोरावस्था की, इस सभी अवस्थाओं से आप सभी लोग गुजरे होंगे मैं ये आशा करता हूँ। तो किशोर हुआ या किशोरी हुई प्रेम दया सहानुभूति क्रोध इत्यादि चीज़ों में वो संवेग को सही तरीके से नहीं स्थापित कर पाते हैं, ठीक नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। अतः सामान्यतः अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध व दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करने लगता है, ठीक। अगली बात करें साथियों, यहाँ तीसरे पॉइंट की बात करें तो किशोर हो या किशोरी कौन किशोर या किशोरी की शारीरिक शक्ति की उनके संवेगों पर छाप होती है। किशोर या किशोरी की शारीरिक शक्ति की उनके संवेगों पर अर्थात उनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उनका जो संवेग होता है, किशोर या किशोरी की शारीरिक शक्ति अर्थात किस प्रकार से उनके शरीर का विकास हुआ है, शरीर का विकास किस प्रकार से हुआ है ये उनके संवेग के माध्यम से पता चल जाता है। उनका जो आवेश होता है संवेग होता है उसके माध्यम से पता चल जाता है कि इनका किशोर या किशोरी का शारीरिक शक्ति किस प्रकार से बढ़ रही है। जैसे अगर बात किया जाए तो सबल व स्वस्थ किशोर के संवेगात्मक स्थिर तथा निर्बल व अस्वस्थ किशोर की संवेगात्मक स्थिर पाई जाती है, ठीक। अगली बात करें साथियों तो किशोर या किशोरी अनेकों बातों के बारे में चिंतन करने लगते हैं। किशोर होते हैं या किशोरी होते हैं अनेकों बातों के बारे में वो चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था की अवस्था में संवेगात्मक विकास जब उनका होता है तो उस दौरान वह अनेकों बातों पे चिंतन भी करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ साथियों जैसे बात करें तो अपनी आकृति अर्थात मेरी आकृति किस प्रकार से हो, धन दौलत के बारे में, पढ़ाई लिखाई किस प्रकार से हो इस पे कमी लोग सोचते हैं, हालांकि फिर भी सोचते हैं, स्वास्थ्य के बारे में, सम्मान के बारे में, धन की प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता इत्यादि जैसी चीज़ों में बालक चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक जिसका जैसा वातावरण है। अगली बात करें साथियों
तो किशोर न तो बालक समझा जाता है न प्रौढ़, अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन के बारे के वातावरण से अनुकूल में बहुत कठिनाई होती है। यदि वह स्थिति में वो कभी कभी घर से भाग जाता है या आत्महत्या तक का शिकार हो जाता है, अर्थात बालक को ना ही किशोर समझा जाता है ना ही प्रौढ़ अवस्था में रखा जाता है, जिसके कारण बालक काफ़ी विचलित होता है। उसका संवेगात्मक जीवन जो होता है वो वातावरण के अनुकूल बहुत ही कठिनाई से ही, अर्थात किस प्रकार से वातावरण किस प्रकार से है उसके अनुकूल बहुत ही मुश्किल से, ये जो अवस्था होती है किशोरावस्था की अवस्था, इस दौरान किशोर या किशोरी की जो है वातावरण के अनुकूल होना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत कठिनाई के साथ उसे अनुकूलित किया जाता है, जिसके कारण वह घोर निराशा होती है। ऐसी स्थिति में कभी कभी घर से बालक या बालिका भाग भी जाते हैं, साथ ही साथ आत्महत्या करने के लिए भी वो उत्सुक हो जाते हैं, ठीक ना। अगली बात करें साथियों, अगर तो किशोर होते हैं जो किशोरावस्था में असाधारण रूप से शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं, हुआ करते हैं, और किशोर और किशोरी दोनों में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है जो कि उनके संवेगात्मक व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, ठीक साथियों। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है, जिसके बारे में हम लोग एक क्लास में विस्तृत चर्चा किए और अच्छे से हम लोग उसे पढ़े जाने समझे। बस आप लोगों को ये है कि आप लोग कितने धैर्य और अच्छे के साथ अपने लक्ष्य को चुनते हुए कितने अच्छे से आप लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसे रिवीजन करेंगे, बार बार सारी चीज़ें यहाँ आपको एक्सप्लेन करते हुए बताई जा रही हैं। एक एक चीज़ें, कोई भी पॉइंट यहाँ छोड़ा नहीं जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस किया जा रहा है, एक एक बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अगली क्लास में हम लोग भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ उसकी चर्चा करेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे हम लोग, ठीक। अगली क्लास में हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे। आप लोग क्लासों को अच्छे से देखा करिए, क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, साथ ही क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, जिससे कि और भी लोगों तक यह क्लास पहुंच सके और उनके भी काम आ सके, ठीक साथियों। और आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे अगर नए हैं तो विद्यार्थी तक YouTube चैनल को आप भी सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बताइए, जिससे अगली क्लास की नोटिफिकेशन या और भी एजुकेशनल संबंधी जानकारी जो हो वो आप तक पहुंच सके, ठीक साथियों। तो ठीक है, इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। आप लोग जो है सारी क्लासों, अगर आप अभी देख रहे हैं इस क्लास को, पिछली क्लासों को नहीं देखी, चूँकि ये हमारी 10वीं क्लास है, पिछली क्लासों को नहीं देखे हैं, तो आप लोग शुरू से देखते हुए क्लासों को आइए। हमारी प्लेलिस्ट में सारी क्लासें ऐड हो रही हैं, जो टेट सी टेट यूपी टेट का बैच लॉन्च किया गया है वो हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारी क्लासें आप लोगों को वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट की मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक साथियों। तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।